तो वाइवा के लिए रेडी हो? ठीक है, तो बताओ, चलो, CAA क्या है? व्हाट इज CAA? करेंगे। क्या नाम आपका? मैं सिर्फ ओपी मौर्या। तो यहाँ किस लिए आया आज? मैं टू द रैली ऑफ CAA आई CAA एज ए टू सपोर्टेड ऑफ इंडियन अदर नाग अदर कल्चर हु इज द रिलीजियन ऑफ द इंडियन हु द रिलीजियस ऑफ द इंडियन कंट्री। सो CAA एज ए 100% एज ए गुड एक्ट हु एक्सेप्टेड ऑफ माई रिलीजियस ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म क्या सी? आप समर्थन में आपको पता नहीं। सो कुछ ऐसा ही होता है आपके साथ भी। तो जैसे ही ये वीडियो मैंने देखी, मुझे सीधा वाइवाई याद आ गई, और ऐसा होता ही है, कॉमन बात है ये। तो इस वीडियो में इसलिए डिस्कस करूंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वाइवा में कैसे बचें। तो पहला पहला प्रिंसिपल वाइवा का, दिमाग में अभी सेव कर दो, कि एकदम सेव कर दो। सपोज एग्जामिनर ने पूछा है व्हाट इज अ डॉग, और तुमको कुछ नहीं पता है डॉग के बारे में, तो ऐसा तो नहीं करोगे एटलीस्ट, ठीक है? तो क्या करो, डॉग लो, उसके गले पे रस्सी बांधो, रस्सी को पेड़ पे बांधो, बस पेड़ के बारे में बोलते जाओ। पेड़ ऐसा है, फल देता है, फूल देता है, छाया देता है। मैन्यूपुलेट कर दो, देखो जो चीज नहीं आती है, ओके, नहीं आती है, और वायवा है ये, ओके, तुमको तुम्हारे पास ऐसे 3 घंटे का समय नहीं है कि सोच के लिखेंगे या सोच के वो करेंगे, नहीं नहीं आता है, सीधा मैन्यूपुलेट कर दो। और ये मैन्यूपुलेशन से 80% टीचर्स मैन्यूपुलेट हो जाएंगे, डायरेक्टली हो जाएंगे, हो जाएंगे, सच बता रहा हूँ। अभी ग्रेजुएशन में कितने वायवा दिए हैं, मतलब काउंट करने बैठू ना, बहुत यही ट्रिक काम आई है। हमेशा मैथमेटिक्स में भी वायवा होता था हमारा, तो वहां तो यही सब चीजें काम करती थी, और फिजिक्स में तो कॉमन है, लाइक, क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट ही वैसे होते हैं मैन्यूपुलेट करने वाले। ओके, तो चुप नहीं रहना है, जो भी पूछा है उसको थोड़ा एक लाइन उसके बारे में बोलो। लाइक डॉग पूछा है तो एक लाइन डॉग के बारे में, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, बस फिर उसको रिलेट करो ट्री से, डॉग सिट्स अंडर अ ट्री, ट्री के बारे में बोलते जाओ। इससे क्या होगा, चुप नहीं रहोगे, ओके, जो वैसी सिचुएशन थी वो क्रिएट नहीं होगी, या कुछ भी बोलते जा रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। अभी सेकेंड, लैंग्वेज बैरियर। अब ये वीडियो में जो पहले देखी, इसमें ये बहुत अच्छा भी बोल सकता था अगर हिंदी में बोलता तो, ओके, नो डाउट उसको मीनिंग नहीं पता होगी CAA क्या है, बट हिंदी में बोलता तो ऐसा तो एटलीस्ट नहीं बोलता था। तो यही सिचुएशन होती है। अब जैसे अब अभी की बात बता रहा हूं, 20-22 दिन पहले, ओके, MSc SEM 1 की वाइवा थी, देखा मैंने एक्सटर्नल आया है, और अभी बहुत हो गया है एक्सपीरियंस, तो कुछ अंदर में डर भी नहीं लगता है, लाइक फ्रेंकली वाइवा दे देता हूँ अब तो। तो एक पर्सन था जो इंग्लिश में, उसको लाइक उसका ऐसे था कि अगर इंग्लिश में बोलूंगा तो इम्प्रेशन बनेगा, ओके, इंग्लिश में बोलूंगा तो उसका इम्प्रेशन बनेगा। तो ठीक है, उसने इंग्लिश में बोला, बट वो जो उसकी बातें थी, वो जो मेन कॉन्सेप्ट था, वो पहुंचा ही नहीं पाया। इंग्लिश पहुंची, कानों तक इंग्लिश पहुंची, कॉन्सेप्ट कहीं भी पहुंचा ही नहीं। तो यही बात है, सबको लगता है इंग्लिश में बोलेंगे तो काफी अच्छी वाइवा जाएगी, इम्प्रेशन बैठ जाएगा एक्सटर्नल पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लैंग्वेज आती है उसमें बोलो। मैंने इवन देखा है मराठी में भी लोग वाइवा देते हैं, हिंदी में तो मेजोरिटी हिंदी में ही देते हैं, और इंग्लिश कन्फर्म है, कॉन्सेप्ट पहुंचा पाओगे तो ही दो, अदरवाइज ये शोबाजी के चक्कर में जो आता है वो भी गवा दोगे। अगर तुमको फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है, तो देखो सामने वाला टीचर दूसरे टीचर से कैसे बात कर रहा है। अगर वो हिंदी में बात कर रहा है, बिंदास दे दो, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर तुमको लगता है कि बहुत कुछ इशू है, या बहुत हार्ड है, या बहुत मैटर करता है, रियलिटी में इतना मैटर नहीं करता है वो। तो लैंग्वेज बैरियर का हमने डिस्कस कर लिया, और वो डॉग एंट्री वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। थर्ड चीज कि वो एक्सटर्नल है, वो डोमिनेंट दिखाने के लिए आया है, ओके, वो डोमिनेंसी तुमको शो करेगा, डोमिनेंसी वो दिखाएगा कि हाँ मैं तुमसे ऊपर हूं, तो उसका ईगो हर्ट नहीं करना है किसी भी सेंस में, ओके। हर साल ऐसे होता ही है कि झगड़े हो जाते हैं स्टूडेंट और एग्जामिनर के बीच में, होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो ईगो है वो अपना ईगो रखते हैं, वो अपना ईगो रखता है, फिर वर्स्ट केस होता है। समटाइम्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट वर्सेस एक्सटर्नल, और समटाइम्स जो जीरो लेवल स्टूडेंट है वर्सेस एक्सटर्नल, नॉर्मल लेवल वाले ऐसा कुछ नहीं करते हैं।
तो ईगो हर्ट मत करो एक्सटर्नल का एटलीस्ट. लाइक अब मुझसे वाइवा क्वेश्चन हुआ था हेक्साडेसिमल नंबर्स पे. हेक्साडेसिमल मत नंबर्स मतलब 9 के बाद फिर से ABCD आता है, तो वो नंबर्स ऐसे रहते हैं 9C+ कोई नंबर या A+6 क्या होगा, समझा? मतलब अल्फाबेट्स और वो B3, सपोज B3+ ये क्या होगा. तो मैंने आंसर दिया और आंसर मेरा राइट था. ओके आंसर राइट था, एग्जामिनर बोल रहा है वो रॉन्ग है. अभी वो इतना इजी था. सपोज मैं कहूँ 15+10, ओके तो आंसर हमको पता है. सपोज 3+6, आंसर हमको पता ही है 9 है. तो मैंने उसको बोला सर 9, सामने वाला बोलता है रॉन्ग है. मैं बोला अरे रॉन्ग है मतलब? मैं बोला नहीं सर 9 है. बोला नहीं रॉन्ग है, तुम गलती कर रहे हो. अभी मैं समझ गया कि सामने वाला एकदम खाली है अंदर से. ठीक है सर, बस ऐसे बस नॉर्मल कुछ भी डिसीजन नहीं, बस ठीक है सर. और खुद की गलती मान ली, गलती थी नहीं मेरे, तो उसका कम से कम ईगो हर्ट नहीं हुआ और मुझे 100 में से 95 मार्क्स मिले, जो कि बहुत ज्यादा है. ओके बहुत ज्यादा है. तो अगर सामने वाला जर्नल में से मिस्टेक निकाल रहा है कुछ, हाँ सर मिस्टेक की है, तो समझ में आता है. अगर तुम ईगो नहीं दिखाओगे ना, एक्सेप्ट कर लो कि चलो आज एक्सटर्नल आएगा हालत खराब करने वाला है, तो वो नहीं होगा. बाकी तुम आर्ग्यू करोगे नहीं सर ये ऐसा था, नहीं सर इसने ऐसा, तो वो सामने वाले का ईगो हर्ट हो जाता है. तो अगर एक्सटर्नल कुछ बोल भी रहा है, चले तुम सही हम कर तुम सही हम, तो इससे क्या होगा, उसको थोड़ा लगेगा कि हाँ चल ठीक है, अच्छा स्टूडेंट है, मार्क्स दे देगा. क्योंकि एक्सटर्नल वो जब आ रहे हैं, अभी इमेजिन करो ना, तुम किसी कॉलेज में इन्वाइट किए गए हो, तुम किसी कॉलेज में इन्वाइट किए गए हो, तो क्या ऐसे जाओगे आम आदमी बन के? नहीं, इनविटेशन, हाँ इनवाइट किया है मुझे, तो वो एटीट्यूड आ ही जाता है. तो तुम स्टूडेंट हो, तुम आर्ग्यू मत करो. सो दैट्स इट, काफी है ये सब बताना. और अगर तुमको फिजिक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चाहिए तो यूट्यूब पे फर्स्ट रैंक पे मेरी वीडियो मिल जाएगी. बस कुछ भी लिखो मेरा ही आ जाएगा, वाइवा क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स एग्जाम कुछ भी लिखो आ ही जाएगा वो. तो ये सारे थे हैक्स अबाउट द वाइवा. अगर और कोई वाइवा रिलेटेड डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं. अगर आपको बोर्ड एग्जाम के भी ऐसे हैक चाहिए, कि रिटर्न पेपर में भी ऐसे हैक्स होते हैं, थोड़े नहीं बहुत होते हैं, तो ऑलरेडी मेरा 3 घंटे का कोर्स बना हुआ है, तो आप कोर्स डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं. उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो चैनल पे भी आपको इजीली मिल जाएगी. तो उसमें सारे के सारे बोर्ड एग्जाम्स की ट्रेनिंग, हैक्स, एक्स्ट्रा चीजें, फ्री की मार्क्स, पूरा का पूरा यही कॉन्सेप्ट बहुत सारे डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है. सो ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.